ये हैं भैया रामदीन, पहली बार जा रहे थे ससुराल तो बड़े इत्मीनान से चले जा रहे थे, है ना। तो 10 किलोमीटर की रफ्तार से ये आराम से चले जा रहे थे। इत्तिफाक से आधी दूरी इन्होंने तय की थी, तब तक इनकी वाइफ का फोन आ गया, कहाँ हो जल्दी आओ। अब इन्होंने स्पीड बढ़ाई भैया, अब जब स्पीड बढ़ाई तो ये इन्होंने 14 किलोमीटर पर आर की स्पीड गेन कर पाए बेचारे बड़ी मेहनत से। तो अब इतने में इनको लग गया टोटल टाइम 6 घंटे। 6 घंटे जब लग गया तो बहुत खफा भाई, कह ये बताओ कितनी दूरी तय करके आए हो तुम, आप लोग बता सकते हो इसने कुल कितनी दूरी तय की। अगर टोटल जर्नी जो है पता करनी है, अगर टोटल टाइम 6 घंटे लगा और हाफ उसने जर्नी जो है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से की, और फोन आने के बाद स्पीड बढ़ाई मगर अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, तो 14 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चले, तो टोटल जर्नी कितनी तय की। अब मुसीबत ये है, ये बताएंगे नहीं तो वहाँ नाश्ता पानी नहीं मिले, तो हेल्प करो यार इनकी। दो मेथड है इसके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कोई आदमी 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है और 14 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है, आधी आधी जर्नी तय कर रहा है, अगर टोटल टाइम 6 घंटे लग रहा है तो बताइए कि कुल कितनी दूरी थी। तो जो ट्रेडिशनल वे है जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स किलोमीटर है, ठीक। तो ऐसे में हम लोग जब निकालेंगे तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से, और दूसरे उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो ध्यान दो, इसको सिंपल, इसको आधा कह दो भाई, आधी जर्नी है तो आधा कह दो, और इस जर्नी को आधा कह दो। तो इसको जब चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे ध्यान दीजिए, तो ये जो सिस्टम चलेगा वो चलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस अपॉन नेक्स्ट अपॉन स्पीड 14, टोटल टाइम 6 घंटे लग रहा। अब सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये कुछ बनाएगा एक्स अपॉन, ध्यान दीजिए एक्स अपॉन कितना 20, और ये बनाएगा एक्स अपॉन 28। अच्छा ये कंफ्यूजन हो तो इसको ध्यान दीजिए, ये नीचे आ जाता है, ये अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर लिखा है तो इसको जैसे 5/2 अपॉन ये लिखा है 7/3 लिखा है, तो इसका तरीका क्या है, ये अपॉन 1 किया तो पहला नंबर एज इट इज और दूसरा नंबर क्या होता है उल्टा करते हैं तो 1/3, तो ये इससे इंटू होता है, यानी ये इससे इंटू, ठीक, इक्वल टू 6 आर, ऐसा हो गया। अब इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, यहां ध्यान दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 20, तो टोटल एलसीएम जो होगा आपका हो जाएगा वो 140, तो x अपॉन 20 और प्लस हाउ मच x अपॉन 28 इक्वल टू 6 है, एलसीएम हो गया 140। अब भैया इसको इससे डिवाइड करोगे तो 7 बार, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 बार, एक्स लगाना भूलना नहीं, ठीक है, एक्स नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 7x + 5x इक्वल टू 6। फिर यहां ध्यान दीजिए, यहां हम लिख रहे हैं, नीचे जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो यानी 7x + 5x मतलब 12x, और ये अपॉन 140
ऐसा इक्वल टू सिक्स। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये x इक्वल टू क्या आएगा भाई, x इक्वल टू याद रख लीजिए, x इक्वल टू ये बनेगा आपका जो नीचे वो ऊपर, यानी छह पहले लिखा, जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर वो नीचे, इसको काटोगे दो बार और इसको काटोगे ये आएगा कितना 70। तो यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो 70। शॉर्ट ट्रिक क्या है यहां ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक 2 इंटू स्पीड वन और थोड़ा नीचे लिखते हैं 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम टेकन अपॉन कितना सम ऑफ द स्पीड, यानी इसको जोड़ लेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम टेकन अपॉन सम ऑफ द स्पीड, ये जो देगा वो आपको टोटल डिस्टेंस देगा। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक कि अगर ऐसी स्थिति हो, हाफ जर्नी क्या दी जा रही हो, टोटल टाइम दिखा दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करके बताना और कमेंट करना यार, क्या 70 आ रहा है कि सर कुछ भी बता दे रहे हैं, बताना, लाइक जरूर कर देना। ठीक, अगर 70 आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।